देखिए, जिस तरह से कल हिमाचल प्रदेश के अलग अलग 15 विभागों के 25 कर्मचारी संगठनों ने हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ का गठन किया है, ये एक सराहनीय पहल है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की। मैं सभी विभागों के कर्मचारी नेताओं को इस पहल के लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक सारे अपने जो छोटे मोटे मतभेद थे उसको भुला कर जो है कर्मचारी हित में हम सामूहिक तौर पर इकट्ठा हुए हैं। और आज हमने जो मेमोरेंडम बनाया है, उस मेमोरेंडम के माध्यम से जो एकमात्र इशू जिसके ऊपर हमने ये तय किया था कि केवल मात्र हम छठे वेतन आयोग की जो अनियमितता है उसको लेकर हम बात करेंगे, भत्तों को लेकर बात करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे पेंशनर है, क्योंकि अलग अलग कॉर्नर से पेंशनरों की आवाज़ उठ रही थी कि हमारी बात भी आप रखें, तो पेंशनरों की बात भी हमने उस डिमांड चार्टर में डाली है कि साथ ही पेंशनरों का भी संशोधन जो होना है उसको भी साथ ही आप करें, और भत्तों के संशोधन की बात भी हमने उस डिमांड चार्टर के अंदर रखी है। उस डिमांड चार्टर में हमने क्या रखा है, क्या बताया है, वो एक बार फिर मैं रिपीट करूँगा, वही बातें जो हम बार बार आपके समक्ष कहते हैं। हमने बहुत लंबी चर्चा हुई है और जो प्रमोद सक्सेना जी हैं उन्होंने आज इतने अच्छे तरीके से हमें सुना, कम से कम 15-20 मिनट बात हुई है, हालांकि उनकी एक पीसी होनी थी उसके लिए वो लेट हो रहे थे, तब भी उन्होंने बात को सुना, उन्होंने पढ़ा, फिर उन्होंने कहा कि एक बार फिर इसको दोबारा से थोरली इसको करता हूँ। फिर उन्होंने ये पूछा आप चाहते क्या है, जो हम चाहते हैं हमने उनको बात कही है, हम चाहते हैं कि जो 1/10/12 के कारण एनोमली आई है, क्योंकि पंजाब में 1/12/2011 को जो रिविजन ऑफ पेड दिया है उसमें उन्होंने एक तो इनिशियल स्टार्ट दिया है और हिमाचल ने इनिशियल स्टार्ट नहीं दिया है, दूसरा जो रिवीजन पंजाब ने दिया है वो तत्काल प्रभाव से दिया है 1/10/11 से दिया है, और हिमाचल ने जो 1/10/2012 को नोटिफाई किया वो भी 2 साल की कंडीशन पर लगाई है, चाहे वो पदोन्नत कर्मचारी हो रहा है चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से नियमित हो रहा है। लेकिन पंजाब में क्या था, पंजाब में एक प्रोविजन शब्द है और हिमाचल में उसको कॉन्ट्रैक्ट के बाद प्रोविजन जोड़ दिया गया है, वहाँ हमारे कर्मचारी कन्फ्यूज थे और वो हमारे कर्मचारी भी नहीं समझ पा रहे थे। हमने जो भी बात क्लियर की कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट भर्तियाँ नहीं होती है, पंजाब में नियमित भर्तियां होती है। नियमित भर्तियां भी क्या थी, 15/1/2015 के बाद पंजाब में किसी तरह का प्रोविजन पीरियड नहीं था, वो सीधा ही उनको मिल जाता था वो बेनिफिट, जैसे वो लगते थे नियमित भर्तियां होती थी। 15/1/15 के बाद 2 साल का उन्होंने प्रोविजन रखा और अगस्त 2016 से उन्होंने 3 साल किया। तो हिमाचल में तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो कमीशन के थ्रू आते हैं या बैच वाइज आते हैं, पहले 7 साल था, फिर उसके बाद वो 5 साल किया गया, 6 साल रहा, तो अब वो 2 साल अभी किया गया है। तो हम ऑलरेडी 7 साल काटने के बाद या 5 साल कॉन्ट्रैक्ट करने में फिर हम 2 साल क्यों प्रोविजन ले, तो हम ये बोल रहे हैं 1/10/12 को आपने रिविजन किया उसी दिनांक से हमारे को संशोधित ग्रेड पर आपको देना पड़ेगा और साथ में आपको इनिशियल स्टार्ट देना पड़ेगा, और तब हम जो है 1/1/16 को पंजाब के एट पार आएंगे, तब ये एनोमली खत्म होगी। साथ में जो 15% की बात हम मांग रहे हैं, तीसरा ऑप्शन मांग रहे हैं, वो ऑप्शन तब फिट होता है जब नोशनली फिक्सेशन करके हमारा कर्मचारी पंजाब के एट पार आएगा, वो एक बड़ी विडंबना है। उन्होंने बोला ये तो बहुत पुरानी बात आप कर रहे हैं, कहते हैं 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। नरेंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे, और आपने राजकीय अध्यापक संघ की तरफ से अपना देखा जोखा प्रबोध सक्सेना जी को दिया, लेकिन इसके अलावा अन्य जो कर्मचारी संगठन है वो भी अपना लेखा जोखा दे रहे, तो इस लेखे जोखे में डिफरेंस क्यों, जबकि पे कमीशन तो सेम है, पंजाब ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो चेंज तो नहीं होंगे। देखिए शिवाजी, मैं बताऊं, जो लोग सरकार के वफादार बन के बात कर रहे हैं शायद उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। मैंने अभी भी प्रभु सक्सेना जी को ये बात कही, मैंने नहीं कही, मेरे साथ जो सारे संगठनों के लोग यहाँ हैं बैठे, आप देख रहे हैं पूरी तस्वीरों में, हमने एक बात कही, हम चाहते हैं कि आप एक हमारे साथ बैठक करें, हमारे पास पूरी कैलकुलेशंस है। मैंने कहा मेरे पास पूरी कैलकुलेशंस है, हम पंजाब के साथ सारी कैलकुलेशन को कंपेयर करना चाहते हैं आपके साथ बैठ के, क्योंकि अगर 2013 में 2014 में कोई कर्मचारी या 12 में कर्मचारी पंजाब और हिमाचल में जिस भी विभाग का है वो 7 लगे हैं, तो 1/1/16 को उनका मूल वेतनमान 7 होना चाहिए, जो अगर नहीं होता है तो वो एनोमली खड़ी हो जाती है। उस एनोमली को ख़त्म करना हम चाहते हैं, वो हमारा उद्देश्य है। और वो एनोमली कितनी, हमने उनको भी बताया, 1 JBT 8,900 रुपये जो है वो पीछे जा रहा है पंजाब के कंपेयर करके, 1 TGT 6,000 कुछ पीछे जा रहा है, 1 लेक्चर 8,700 पीछे जा रहा है, 3 साल के गैप में वो उनके मूल वेतन में अंतर आ रहा है, और पंजाब हिमाचल में लेक्चर्स को 43,000 दिया जा रहा है, और पंजाब में लगते ही इनिशियल स्टार हिमाचल क्या है 49,900 रुपये। अब 43,000 और 49,900 रुपये के मूल वेतन में फर्क समझ रहे हैं, उन लोगों को ये बताइए आप, अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, 49,900 और 43,000 में कितने का फर्क है, वो बेसिक का फर्क बता रहा हूँ मैं भत्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। वीरेंद्र जी, क्या प्रश्न और है, पिछले दिनों आपने एक बड़ी पत्रकार वार्ता की थी, उसमें आपने फैक्ट्स एंड फिगर रखे थे, कुछ कर्मचारी नेता आपके लिए प्रश्न ये भेजते हैं कि आपने जो कैलकुलेशन की है उसका सोर्स क्या है, किस बेस के ऊपर आपने कंपैरिजन किया है। उसका सोर्स ही मैंने अभी आज प्रभोद सक्सेना जी को बोला है, अगर मैं
कैलकुलेशन में एक अंक में भी फर्क होगा, एक रुपए का भी फर्क उस कैलकुलेशन में होगा, तो सरकार मेरे खिलाफ जो मर्जी कार्रवाई करे वो कर सकती है। मैं खुले आम से उस चुनौती को आज भी दे रहा हूँ। वो जो आंकड़े है, जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के आधार पर हम आज क्लेम कर रहे हैं कि हिमाचल के प्रदेश के कर्मचारियों को, वो आज अगर सारे विभाग के कर्म 25 विभागों के 25 संगठन इकट्ठे हुए तो शायद इनका विश्वास हुआ होगा। विभिन्न संगठनों द्वारा बोला जा रहा है कि पंजाब की तर्ज पर पूरी तरह से तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और इसमें कुछ अपने जोड़ तोड़ सरकार ने ऐड किए हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है क्योंकि काफी कम चांसेस होते हैं कि पे कमीशन में संशोधन किया जाए, तो ऐसे में आपने कितना समय अब सरकार को दिया है जब इतना पावरफुल ज्वाइंट फ्रंट आपका तैयार है? इसी में मेरा भी सवाल है कि क्या आश्वासन मिला है? लग रहा है आपको भी जो विसंगतियां हैं वो सरकार उसको दूर करने के मूड में है, या फिर जो आपने कल बता दिया, अल्टीमेटम दे दिया कि हम सड़कों पर उतरने वाले थे, हमारी मांगे नहीं मानी? देखिए हम बड़ा सौहार्दपूर्ण बात आज भी हुई है, मैंने फिर मांग की है, मेरी पूरी टीम ने मांग की है कि हम आपके साथ एक बार चर्चा करना चाहते हैं। आपको कहीं संशय है? जो लोग गुमराह कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, लोग समझ रहे हैं उनको लोग क्या बोल रहे हो भी बताएं, या तो वो लोग मेरे साथ टेबल टॉक में बैठ जाए। मैं आपको कहता हूं, उनको पूरी चुनौती देता हूं कि एक दिन कहीं हम बैठ के उनके साथ चर्चा करें, उनको हम बताएं कि ये आंकड़े आपको समझ आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या ये अंतर समझ आता है कि नहीं आता है, आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। या दूसरी बात, मैंने प्रभोद सक्सेना जी को बोली अभी कि हम आपको असिस्ट करना चाहते हैं, जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है, वो कैसे आ रहा है, उसका समाधान क्या है, वो भी हम आपको बताते हैं। समाधान मैंने बता भी दिया है। हमें करना क्या पड़ेगा? हमें 1/10/12 का जो इनिशियल स्टार्ट है वो देना पड़ेगा, 2 साल का राइडर हटाना पड़ेगा, तब हमारा कर्मचारी 1/16 को बराबर पंजाब के हो जाएगा, उसके ऊपर 15% देना पड़ेगा, बस वो हमारी मांग है। और 4/9/14 बड़े साफ शब्दों में लिखा, बड़ा लंबा डिमांड चार्टर नहीं है, जो 4/9/14 का जो एनोमली आपने बंद की है उस एनोमली को आपको देना पड़ेगा, जो आपका 1/10/12 के कारण एनोमली जो हुई है, या 4/9/14 का एक बेनिफिट हमारा ब्लॉक हो गया, वो अनब्लॉक हो गया, क्योंकि जो कर्मचारी आपको 2.59 ऑप्ट करेगा उसका ऑटोमेटिकली वो एक बेनिफिट वो ओपन हो गया है, वो उस कैलकुलेशन में आएगा और उसका जो लेबल है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट में चला जाएगा, लेबल बढ़ जाएगा उसका। तीन ऑप्शन नहीं है, इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, तीन ऑप्शन तो अभी हुई कहाँ है साहब, ये ऑप्शन तो जब इसमें संशोधन होगा, इन संशोधन के साथ ऑप्शन आएगी ना, उसी संशोधन तो मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुना है। साथ में हमने उनसे ये भी बात की है कि साथ में पेंशनरों को भी आप दे दें। और एक बड़ा बात जो उसमें रूल 9 जो है, जो किसी ने आज तक नहीं बोला होगा, रूल 9 का सब रूल 2 का जो क्लॉज 2 है, 922 जो है, उसमें ये सरकार ने दावा किया है कि हम एनोमली को और स्टेटस को मेंटेन करेंगे। देखिए, बड़ी साफ सी बाहत है, जितना मैंने स्टडी किया है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम स्टेटस को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, स्टेपिंग अप करेंगे, और जो एनोमली उसको दूर करेंगे, वो उसमें उसमें दिया। पर लेकिन उसमें एक साफ की है, रूल 922 में बोला है कि अगर वो 4/9/14 के वजह से होती है, एश्योर कैरियर प्रोग्रेस स्कीम की वजह से, तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। और मैं आपको कहूं कि 99% जो एनोमली है स्टेटस और उसमें, वो उसी वजह से हुई है। तो हमने उसमें लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि रूल 922 जो है उसको डिलीट आपको करना पड़ेगा, जब तक वो डिलीट नहीं होगा तब तक कर्मचारियों का ना तो स्टेटस बहाल होगा, ना वो उस जो एट पार हो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जूनियर सीनियर का जो डिफरेंस आ रहा वो खत्म नहीं हो सकता। आप आखिरी सवाल है, क्या आप मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है, आश्वासन मिला कि बातचीत करना चाह रही है, जैसे आपने बोला कि देखिए हमने 15 दिन का क्लियर कट अल्टीमेटम दिया है। मैं इनके माध्यम से बात रखना चाह रहा था, अब आप सब मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे साथी और भी है, ये भी बात करेंगे, इनसे भी आप जरूर सवाल करें। हमने क्लियर कट शब्दों में जो कल मुझे अधिकृत किया गया है, मेरे मास्टर चीफ को अधिकृत कल किया गया है, हमारे चीफ एडवाइजर साथ खड़े हैं, जो कल हाउस ने हमें अधिकृत किया है, बाकी संगठनों ने अधिकृत किया है, हम 15 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। हमने बात उसमें साफ शब्दों में लिखी है, हम आपके साथ टेबल टॉक भी करना चाहते हैं, हम मसलों को हम सॉल्व भी करना चाहते हैं, हम किसी कन्फ्रंटेशन में नहीं पड़ना चाहते, पर लेकिन जो एनोमली है उसको खत्म करना होगा, अगर नहीं होती है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। आप अध्यक्ष भी हैं, आपने सरकार को सुझाव दिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की तरफ से इस समाधान के क्या उपाय आपको बताए गए? देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो साफ बोल रही थी कि भाई आप क्यों जुड़े हैं, आपका क्या लेना है, आप क्यों सब इकट्ठे हो गए, वो तो अपनी तरीके से बात को रख रहे हैं कि आप सारे क्यों इकट्ठे हो गए। लेकिन तो सरकार ने करना है, ये फैसला सरकार ने करना है, ब्यूरोक्रेसी तो सरकार का हिस्सा है ना। दूसरे जो भी ये बात आ रही है कि डिफरेंट डिपार्टमेंटों के अंदर एसोसिएशन ने एक मकसद इकट्ठे क्यों किए हुआ है, कि ये जो डिफरेंट जो कन्फ्यूजन हो रहा है एक प्लेटफॉर्म पर कहीं सेटल हो जाए, इसके लिए ही कल जो ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया गया है, इसमें बड़े मतलब संगठन और संगठन के जो नेता जिनका एक बहुत 25-30-35 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। प्रश्न अभी सरकार से हमारा ये है कि जो नियमों में था वो आपने दिया, 10 साल तक कर्मचारी लेते रहे, आज आप कहो कि नहीं, अब वो नियम में जो था उसको वापस पीछे ले लो,
ये कौन सी नीति है सरकार, कहीं ना कहीं इस पर सोचे तो सही कि आप छोटे सबॉर्डिनेट कर्मचारियों के ऊपर बार बार रिकवरी की तलवार चलाते हो, ये ग्रेड पे डाउन कर दो ये तलवार चलाते हो, इस पर चिंतन मंथन सरकार कर तो ले। हमने सरकार को यही सुझाव दिया है। जहां तक पे कमीशन की बात है, ये पे कमीशन हमने कल भी कहा कि ऐसा पे कमीशन 1947 के बाद पहली दफा आया, देश जब आजाद हुआ था तब पे कमीशन पहला 1947 में आ गया था, उसके बाद ये पे जो कमीशन आया है ये कन्फ्यूज्ड है, ये पंजाब से भी है और इधर तो ज्यादा उलझा दिया गया है जी। चलिए, ये तो ये वो विसंगतियाँ थी ना, आपने वो दर्शाई हैं जो यहाँ पर अभी इम्प्लीमेंट नहीं की गई है, पंजाब की तर्ज पर नहीं दी जा रही है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है लेकिन लागू नहीं हो रही है। अब जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की हम बात करें, बहुत सी ऐसी श्रेणियाँ हैं शिक्षा विभाग में ही कि वहाँ पर अभी तक अध्यापकों को जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 वर्ष का पूरा हो चुका है रेगुलर नहीं किया गया है, ऐसे में अभी तक उनके दस्तावेज भी नहीं पहुँचे हैं, क्या उनके लिए भी आपका कोई रुझान रहेगा? बिल्कुल, देखिए हमने कहा कि यूनिफॉर्म पे कमीशन सबको लागू हो, किसका प्रोबेशन पीरियड कितना है, कम है, ज़्यादा है, ये टेक्निकल मैटर्स हैं, ये तो जब हम काम करेंगे उसमें तब देखेंगे कौन कितना आता है नहीं आता है। पर सरकार इसको यूनिफॉर्म तरीके से करे, कोई कैटेगरी ना छूटे और किसी के भी ग्रेड पे में जो पहले जो लेता रहा है 31/12/2015 तक, उसमें कहीं कोई कटौती ना हो। सरकार ये बातें कहना बंद कर दे कि हम रिकवरी नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। रिकवरी क्यों करेंगे? क्या किसी कर्मचारी ने जबरदस्ती लिया है क्या? वो नियम फ्रेम हुए हैं सरकार ने, किसी अथॉरिटी ने किया है, टीचरी बॉडी ने किया है। आज आप कहो कि उसको हम डाउन कर देंगे, ये कन्फ्यूजन आया है ना। आप एक 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 फैक्टर लगाइए जो मैक्सिमम सबको बेनिफिट देता है, पे कमीशन का मतलब ही ये होता है। कर्मचारी सारे अपनी डिमांड्स को लेकर सभा कर रहे हैं, लगातार ब्यूरोक्रेसी से भी मिल रहे हैं, लेकिन अलग अलग संगठन अलग अलग क्यों? कर्मचारी के हितों की बात है तो कर्मचारी संगठित क्यों नहीं? एनजीओ फेडरेशन अपना पत्र दे रही है, शिक्षक महासंघ अपने पत्र दे रही है, आप अपने पत्र दे रहे हैं, क्या हम इसको ये माने कि कर्मचारियों में संगठनात्मक राजनीति हो रही है? उसका मैं यस, आपका वाजिब जवाब है और सरकार इसके लिए बहुत बड़ी दोषी है। एनजीओ फेडरेशन के नाम पर जो इस सचिवालय के माध्यम से होता है वो इलेक्टेड नहीं है, कर्मचारियों का समर्थन उनको नहीं है, वो सरकार का आशीर्वाद है, वो चलता रहे वो करे, परंतु वो जो कहते हैं वो कर्मचारियों को कहीं भी सूट नहीं करता है। इसीलिए आज कल जो ये फैसला किया गया कि जो कुछ कर्मचारी नेता या सरकार उन लोगों के माध्यम से कर्मचारियों को गुमराह करने का जो प्रयास हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हम कर्मचारियों के बीच में ये बात तो कहें कि हमारे आर्थिक हालात कहाँ नुकसान कर रहे हैं। तथ्य बताइए कि कर्मचारियों को गुमराह कहाँ किया जा रहा है, क्योंकि पे कमीशन में विसंगतियों को लेकर हमने कहा ना, हमने वही कहा, हम क्या कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि हम गलत बोल रहे हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है? जब सामने कैलकुलेशन आ रही हैं, डेलीगेशन मिल रहे हैं, सचिवालय व संघ वाले आज भी मिले हैं, वो बार बार ये बात कह रहे हैं, आप उनकी रिपोर्टिंग करते हैं, उसके बाद दो आदमी बैठ के अगर ये कहते रहे वो गलत कह रहे हैं जी, गुमराह कर रहे हैं जी, तो ये चीज ये आप उसको जज करिए, और सरकार को कुछ जज करना चाहिए ना। सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है, आप जो किसको बिठाए कर लोगे क्या? कहने का मतलब ये है कि ये कोई हमारी 35 साल की 23 साल की नौकरी हो गई कर्मचारी राजनीति करते हुए, हमने बड़े पे कमीशन देखे हैं कि कार्य प्रणाली को संदेह के घेरे में रखते हैं। सरकार हम कह रहे हैं कि सरकार सबकी सुने और जो सही फैसला है वो करे। क्यों कंफ्यूजन हुआ पे कमीशन को लेकर? फर्स्ट टाइम हुआ है, आपने इतनी कंडीशन लगा दी, दफ्तरों के अंदर हालात खराब हो गई, यही पता लग रहा है कि कौन सी कैटेगरी कहाँ फिट होगी या कौन सा कैडर किसकी पोस्ट क्या है। हम बोल रहे हैं कि जो पे कमीशन का एक फार्मूला होता है उसको अडॉप्ट करें, कहीं भी किसी का नुकसान ना हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो। 10 साल के बाद पे कमीशन आता है, 10 साल के बाद पे कमीशन आता है। सर, 25 संगठन एकजुट हो गए हैं, कितना गहरा प्रभाव अब इसका पड़ सकता है? आपको लग रहा है कि अभी तक जो नहीं हो पाया अब आगे हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअली भी यहाँ पर बहुत सारे संगठन ऐसे थे जो ज्ञापन सौंप रहे थे, बार बार इन विसंगतियों को दर्शा रहे थे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? इसमें जो हमारा कल बड़ा मंच बना है और हमें उम्मीद के साथ ही बना है कि भी इसका कुछ निवारण होगा जो समस्या चली है। पर मैं उससे पहले जो आपने कुछ इशू रेज किए उस पर कहना चाहूँगा, आप कुछ संगठन की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा मंच है किसी कर्मचारी संगठन के खिलाफ नहीं है, और हम कहते हैं कि हमारा जो मंच है, अगर हम देखें एनजीओ का अपना स्टेटस है, जो टीचर एसोसिएशन का अपना स्टेटस है, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का अपना स्टेटस है, लेकिन जब कोई संगठन जैसे आपकी पे कमीशन की रिपोर्ट हिमाचल में लागू हुई, आप बगैर पढ़े या बगैर उसका एनालाइज किया आप बोल रहे हैं धन्यवाद कर रहे हैं, और हम जब उसको कैलकुलेट कर रहे हैं पर हमें नुकसान है, तो कहीं ना कहीं है कि आप खिलाफ नहीं है लेकिन एकजुट क्यों नहीं है?
हाँ वही वही हम एकजुट है, हम एकजुट है, लेकिन लेकिन कुछ कुछ संगठनों की समझ ये है कि भी इसमें रिकवरी या इसमें कर्मचारियों को नुकसान नहीं है। हो सकता हो सरकार के दबाव में कह रहे हो सकता सरकार के साथ। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि मीडिया को कहाँ ऐसा लग रहा है कि कर्मचारी एकजुट नहीं है। अगर 25 बड़े बड़े कर्मचारी संगठन एक मंच पे आके आपके सामने, बहुत सारे नेता यहाँ हमने लाए नहीं, लोगों को ना कर दिया क्योंकि कोविड की वजह से ना आए, अगर 25 बड़े बड़े जो पावर के बड़े बड़े फोर्स है वो इकट्ठे हो गए तो ऐसे है कितने विभाग है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इकट्ठे नहीं रहे। अगर आप कर्मचारी नेताओं की बात करते हैं, अगर वो कर्मचारी नेता नाटी तक सीमित हो जाते हैं, अगर उनको ये नहीं दिखता है, एक एनजीओ के अध्यक्ष को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है, क्या वो उन्होंने कभी कैलकुलेशन करके करने के बाद धन्यवाद किया, क्या उनको दिखा कि मेरे जेवाईटी के पास कोई आरएनपी रूल ही नहीं है, उनका कोई रिवीजन का कोई उनके पास कोई प्रावधान नहीं है। आज भी वो कर्मचारी मुझे बार बार फोन करते हैं, क्या उन्होंने कभी देखा कि मेरे क्लरिकल विभाग के आदमी को क्या 1.5 लाख की सवा लाख की रिकवरी लग रही है, क्यों लग रही है, क्या ऐसा पे कमीशन मान्य है, और लग रही है तो कारण क्या है, या लग भी रही है कि नहीं लग रही है। अगर उन्होंने कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं की है, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर 8 तारीख तक इन कर्मचारी नेताओं ने सरकार का धन्यवाद किया या एक भी शब्द ये नहीं बोला कि इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश है, जब 8 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक एक करके आंकड़े हर विभाग के उठाए, उसके बाद इनको नजर आ रहा है, तब भी नजर ये आ रहा है कि नुकसान तो है पर बहुत नुकसान नहीं है, और बहुत और कम में क्या फर्क होता है, और नुकसान तो नुकसान होता है। हम एक बात जानते हैं, पंजाब का पे कमीशन है, वो पंजाब को हम फॉलो करता है, 1978 से फॉलो करें, आज से नहीं करें, हम उसी स्वरूप में फॉलो करेंगे, उस नोटिफिकेशन को एज इट इज लेना है हमें, ये बात आज मैंने स्पष्ट करी है। हमें पंजाब से 1 रुपए में भी डेबिट नहीं होना है मूल वेतन में, और अगर होते हैं तो वो अमान्य है, वो गलत है, उसको हम जो है सही नहीं ठहराएंगे, उसके खिलाफ हम लामबंद है, और वो लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, वो एक नीतिगत और न्याय की लड़ाई है, उसमें हम किसी के विरोध में नहीं है। अगर सरकार को समझ नहीं आ रही है तो हम समझाएंगे, मैंने बोला हम समझाते हैं आंकड़ों से, आप कहां गलती है, तो जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो सरकार के हितेशी नहीं है, हम उनके भी विरोधी नहीं है, वो ठीक अपना काम करे पर वो अपनी बैक देखे कि कितने लोग उनके समर्थन पीछे खड़े हैं। कोई आदमी उनको अच्छा बोल रहा है क्या, तो कोई संगठन का आदमी, कोई कर्मचारी हमारा हिमाचल प्रदेश का या पेंशनर उनको ये बोल रहा है कि अच्छा काम करे। लास्ट सवाल है, आप वित्त सेक्रेटरी से मिल गए हैं, इसके बाद आप मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं, आपने अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि नहीं करेंगे 15 दिन के बाद हम जो है वो आगामी कदम उठाएंगे, क्या अगला कदम रहने वाला है और क्या लगता है अभी तक का कि पॉजिटिव वाइब है कि सरकार? देखिए, अल्टीमेटम का मामला है, हमने चीफ सेक्रेटरी आज यहाँ पे नहीं थे, उनके ऑफिस में हमने मेमोरेंडम वहाँ भी दे दिया है, अब मुख्यमंत्री से अभी हमने टाइम ले लिया है, हम भी उनसे भी मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे तो हम उनको अल्टीमेटम छोड़ देंगे, और प्रभोज सक्सेना जी से हमारी लंबी बात हो गई है, हमने सारे तथ्य बता दिए, लिख के भी दे दिया है, अगर कुछ नहीं होता है तो हमारी वचनबद्धता है कर्मचारियों के लिए, मजबूरन हमें सड़कों पर लामबंद होना पड़ेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है उन कर्मचारी नेताओं की होगी जो जिनके पीछे वैक्यूम है और सरकार को गुमराह कर रहे हैं, आए दिन वो जो कर्मचारियों के हित है और कर्मचारियों की जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको आनंद जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, और उनके खिलाफ हम जो है कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाने वाले हैं, उनको नहीं छोड़ने वाले हम, क्योंकि मर्यादा के अंदर हाथ में, हमने कभी किसी के खिलाफ अब शब्द नहीं बोले, कौन जिस तरह की बातें अखबारों में आ रही है उनको हम लीगल नोटिस भी देने वाले हैं बहुत जल्दी। साथ ही साथ एक सरकार की गोद में बैठ के एक कर्मचारी शिक्षक नेता ये कहेगा मीडिया में कि ये साम्यवादी लोग हो गए इकट्ठे, ये कांग्रेस के लोग इकट्ठे हो गए, ये सरकार क्या मैसेज देना चाहती है ऐसे लोगों के माध्यम से, क्या वो कंडक्टर का वायलेशन नहीं है, उसके ऊपर वो नियम लागू नहीं होता है, क्या वो सर्विस में नहीं है, ये इस प्रकार की मतलब ये परंपराएं पैदा करने के पीछे वजह क्या है सरकार, ये भी सर विचार कर ले। इससे माहौल खराब होने वाला है और कुछ नहीं होगा। देखिए माहौल खराब होगा, कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है, ऐसे लोगों को सरकार को नसीहत हम दे रहे हैं, उनको उनको समझाए कि वो अपनी औकात में रहे, मैं एक शब्द बता रहा हूँ, अपनी औकात से बाहर जाएंगे तो उनको नुकसान होगा। आने के लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल, अगर उनमें हिम्मत है, मैं चुनौती देता हूँ मेरे लोगों के साथ या मेरे साथ बैठ के बात करें, खुले मंच में बात करें, आमने सामने बात करें, अगर वो फेस कर सकते हैं, अगर वो ये प्रूफ कर देंगे किसी विभाग के कर्मचारियों की रिकवरी नहीं लग रही या उनको फायदा हो रहा है, तो हम भी उनके साथ चलने को तैयार है, हमारे कोई दो राय नहीं है।